दोस्तों नमस्कार। आप में से कई मित्रों ने डिमांड की थी कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें रैपिड ट्रेन चलने के बाद इस प्रोजेक्ट से होने वाले फ़ायदों का जिक्र हो। रैपिड ट्रेन के रियल अपडेट्स हम आपको हर रोज़ यहां वीडियो अपलोड करके देते हैं और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हद तक आपको जानकारी मिली होगी। हम देखते हैं कि पिछले एक दशक के भीतर NCR का पूरा इलाका सर्दियों में गैस चैम्बर में बदल जाता है और लोगों को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ये स्थिति सितंबर अक्टूबर से शुरू होती है और दिवाली के बाद तक होते हुए दिसंबर तक चलती है। दिल्ली सरकार को कई बार इसके लिए ओड इवेंट फार्मूला लागू करना पड़ा, स्कूल कॉलेजेस बंद करने पड़े, पूरे NCR में छुट्टियां कर दी गई, दफ्तरों को भी बंद करना पड़ा, कंस्ट्रक्शन के सारे काम बंद कर दिए गए, इवन रैपिड ट्रेन का काम भी इस बीच बंद रहा, मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे जैसे प्रोजेक्ट्स के काम भी बंद करने पड़े। यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सर्दियों में किस तरह के हालात पूरे NCR में पैदा हो जाते हैं। भयंकर ट्रैफिक जाम के बीच कोहरा और प्रदूषण की वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। बच्चों तो क्या, बड़ों को भी मास्क लगाकर निकलना पड़ता है। ये आप मीडिया कवरेज में देख रहे हैं कि सारे अखबारों और टेलीविजन चैनल्स में यही खबरें छाई रहती हैं और बार बार सवाल उठता है कि NCR का पूरा इलाका गैस चैम्बर में बदल रहा है, इसके लिए आखिर क्या किया जाए। एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च की सूची में पता चलता है कि वाहनों से निकलने वाले धुएं का प्रदूषण में 40% का योगदान है। औद्योगिक क्षेत्र की प्रदूषण में भागीदारी 48% है। ऐसे में रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS दिल्ली मेट्रो का चौथा चरण वायु प्रदूषण रोकने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। रैपिड ट्रेन चलने के बाद मेरठ से दिल्ली के बीच सार्वजनिक परिवहन की हिस्सेदारी 63% हो जाएगी। रैपिड ट्रेन का ट्रैक डिजाइन करने वाली NCRTC का ऐसा दावा है। NCRTC का कहना है कि उनके अध्ययन के मुताबिक अभी दिल्ली मेरठ के बीच 37% लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। रैपिड ट्रेन चलने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वालों का शेयर 63% तक पहुंच जाएगा। रैपिड ट्रेन अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन की गई है, लेकिन ये औसतन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। अभी तक यात्रियों को जो सफर तय करने में दिल्ली से मेरठ के बीच औसतन 3 से 4 घंटे लग रहे हैं, रैपिड ट्रेन उसको महज 55 मिनट में ही पूरा कर देगी। रैपिड ट्रेन चलने के बाद इस पूरे हाईवे पर 1 लाख से ज़्यादा वाहन कम हो जाएंगे। NCRTC का अध्ययन बताता है कि रैपिड ट्रेन चलने के बाद मेरठ से दिल्ली के बीच 8 लाख टन कार्बन मोनोऑक्साइड घटेगी, 4,75,000 टन नाइट्रोजन ऑक्साइड कम होगी, 8 लाख टन हाइड्रोकार्बन घटेगी। ये वो प्रदूषक तत्व हैं जो इस समय वाहनों की भीड़ की वजह से हवा में लगातार घुल रहे हैं। रैपिड ट्रेन चलने के बाद बड़े पैमाने पर ऐसे हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन कम हो जाएगा और जब ये कम होगा तो हवा में ऑक्सीजन बनी रहेगी, जिससे सांस लेने में लोगों को आसानी होगी। NCR में वाहनों का धुआं जानलेवा बनता जा रहा है और इसकी वजह से हवा में जो PM2.5 के कण घुलते हैं वो बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं। इन कणों का डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर या उससे भी कम होता है और मनुष्य के एक बाल की चौड़ाई पर इसके 40 कण आ सकते हैं, इसलिए इसे रोकने में साधारण मास्क भी कारगर नहीं है। दिल्ली NCR में प्रदूषण के कणों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसे घटाना आज की तारीख में सबसे बड़ी चुनौती है। NCRTC का यह भी दावा है कि रैपिड ट्रेन पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। ये पूरी ट्रेन AC होगी, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी, कोई धुआं नहीं होगा, कोई नॉइस पोल्यूशन नहीं होगा और ये किसी भी मौसम में चलने के लिए डिजाइन की गई है। इसको कतई हवाई जहाज की शेप दी गई है और बाहर से दिखने में हवाई जहाज जैसी लगेगी ये। अंदर जब आप इसमें बैठकर के सफर करेंगे तब आपको हवाई जहाज जैसा फील आएगा, रफ्तार के मामले में, एनवायरमेंट के मामले में इसे हवाई जहाज से भी कई मायनों में बेहतर बताया गया है। रैपिड ट्रेन के लिए पैसा जुटाने के एक ये भी सुझाव दिया गया है कि गाजियाबाद और दिल्ली के अंदर लग्जरी गाड़ियों पर 2.25% सेस लगाया जाए। इससे लग्जरी गाड़ियां थोड़ा महंगी होगी और रैपिड ट्रेन का सफर चूंकि सस्ता होगा इसलिए लोग रैपिड ट्रेन में चलना ही पसंद करेंगे। NCRTC का यह भी अनुमान है कि 2025 में जब रैपिड ट्रेन चलना शुरू करेगी तब दिल्ली से मेरठ के बीच हर रोज 8 लाख लोग इस ट्रेन से सफर करेंगे। शहर के अंदर तो ये प्रोजेक्ट बेहद अद्भुत होगा, जहां परतापुर से मोदीपुरम तक लगभग 15 किलोमीटर ट्रैक
ऐसा होगा जिस पर मेट्रो ट्रेन भी चल सकेगी, यानी यहाँ एक ही ट्रैक पर रैपिड ट्रेन और मेट्रो ट्रेन दोनों चलेंगी। इससे शहर के अंदर का ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा सड़कों पर और दिल्ली जाने वाले लोगों को सुविधा भी होगी। इस तरह से वहाँ पोल्यूशन कम करने में इस प्रोजेक्ट की बहुत ही बड़ी भूमिका हो सकती है। ये आप देख रहे हैं यहाँ तस्वीरों में, हमने आपको बीच में लगातार दिखाया है कि किस तरह से काम तेजी से चल रहा है। ट्रैक डिजाइन करने का काम इस वक्त चल रहा है। दुहाई से लेकर के साहिबाबाद तक 17 किलोमीटर का पैच बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुहाई से मेरठ के बीच में भी काम लगभग तेजी से चल रहा है पूरे हिस्से में। अभी दिल्ली के हिस्से में काम शुरू नहीं हुआ है। लगभग 13 किलोमीटर ये ट्रैक दिल्ली में होगा और दिल्ली सरकार को भी उसके लिए फंडिंग करनी होगी। ये यूपी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट का संयुक्त प्रोजेक्ट है। एनसीआर में इस तरह के 8 कॉरिडोर प्लान किए गए हैं, जिनमें से 3 कॉरिडोर्स पर पहले चरण में काम हो रहा है। इनमें सबसे पहला मेरठ दिल्ली कॉरिडोर है, दूसरा दिल्ली अलवर का प्रोजेक्ट है और तीसरा दिल्ली से पानीपत होते हुए करनाल तक डिमांड की जा रही है उसकी, जो दिल्ली से पानीपत तक था, ये तीसरा कॉरिडोर है। इस तरह से इन 3 कॉरिडोर पर 2025 तक काम पूरा करने की योजना है। 2035 तक सभी 8 कॉरिडोर तैयार कर लिए जाएंगे। इन 3 कॉरिडोर्स के बाद जो अगले 5 कॉरिडोर बनेंगे उनमें गाजियाबाद से खुर्जा, दिल्ली से बल्लभगढ़ होते हुए रोहतक तक, गाजियाबाद से हापुड़, दिल्ली से शाहदरा होते हुए बड़ौद तक और दिल्ली से फरीदाबाद बल्लभगढ़ होते हुए पलवल तक के ट्रैक हैं। हम इन सभी कॉरिडोर्स के बारे में आपको लगातार रियल अपडेट्स देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको अपडेट मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके।